अनिकेत शर्मा की मम्मी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के ये अपने समाज सेवा के योगदान देते हैं और कार्य करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुदेश शर्मा और मैं रहा ग्रुप फाउंडेशन संस्था में महिला अध्यक्ष अभी चुनी गई हूँ और मैं पिछले 12 साल से सोशल वर्कर हूँ और मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आजकल बच्चों में समाज सेवा का जो गुण है वो पहले घर से ही शुरुआत करनी चाहिए, तो मैंने मेरे बेटों को इसके लिए प्रभावित किया और मुझे आज ये सब कुछ देखकर बड़ी खुशी अनुभव हो रही है कि आज मेरे बेटे के सहयोग से और सभी हमारे परिवार के गाँव वालों के सहयोग से आज ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और जो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और 50 यूनिट का यहाँ टारगेट रखा गया था लेकिन यहाँ आज 60-70 यूनिट तक हमारा प्रोग्राम जा चुका है। सुदेश शर्मा जी, हम आपसे जानेंगे कि यहाँ जो आपका रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया इसमें बहुत सारी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। पहले महिलाओं को सिर्फ एक गांव में अगर देहात की हम बात करें तो उनको सिर्फ चूल्हा चौका तक सीमित समझा जाता था कि महिला चूल्हा चौका ही करती हैं, महिलाएं चूल्हे तक सीमित हैं, वो घर के बाहर के कार्य बहुत कम करते हैं। लेकिन आज हमने जो रक्तदान शिविर में देखा है कि जो महिलाएँ हैं उन्होंने भी रक्तदान किया अपना और रक्तदान शिविर में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान दिया है, तो उनमें किस तरह की आपकी भूमिका रही, किस तरह से आपने महिलाओं को जागृत किया? हमने कुछ 4-5 दिन पहले से जैसे महिलाओं से बात करना स्टार्ट किया गांव में कि क्या आप ऐसे आयोजन के लिए तैयार हैं, तो उनका रिस्पॉन्स यही आ रहा था कि हम पहले की तरह महिलाओं में थोड़ा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, तो बहुत सारी महिलाओं का हमारा जो रिस्पॉन्स हमने उनका देखा तो यही था कि गाँव में भी पहले की तरह माहौल नहीं रहा, अब वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, यहाँ उन्होंने सेवा का मौका भी दिया साथ में रक्तदान भी अपना किया यहाँ। तो आपने अपने अपने कार्य के कुछ बारे में बताइए कि आप किस तरह से समाज सेवा कर रही हैं और किस तरह से महिलाओं को मोटिवेट कर रही हैं। मैं रहा ग्रुप फाउंडेशन में महिला अध्यक्ष हूँ और वहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम मैं कर रही हूँ। मैंने लगभग गांव के अंदर 2000 महिलाओं को आत्मनिर्भर मैं बना चुकी हूँ और मेरा टारगेट है कि मैं हर साल लगभग 1500-2000 महिलाओं के टारगेट को लेकर मैं चलती हूँ और जो ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ उनका यही टारगेट रहता है कि महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूक किया जाए, महिलाओं को जागरूक किया जाए, एमिनिया जैसी बीमारियाँ हैं उनके लिए हम जागरूक करते हैं, महिलाओं को आजकल जो केसेस चलते हैं कोई भी बलात्कार का रैप जो भी रेप का केस वैसे केसों के लिए हम लड़कियों को मोटिवेट करते हैं कि भई आप उसमें जागरूक हो। तो मैं लगभग 18 साल से और लास्ट हमारी जो भी एज होती है उस तक हम महिलाओं को जागरूक करते हैं गांव के अंदर और गांव के अंदर जाट धर्मशाला में मेरा पिछले 12 साल से सेंटर चल रहा है वहीं पर हम जागरूक अभियान भी करते हैं, नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम भी हम करते हैं हर साल, तो उन्हीं प्रोग्रामों के माध्यम से मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ये महिलाओं को प्रेरित करती हैं, तो जैसा कि आपने ये अलग अलग कार्यक्रम बताए हैं कि आप लगातार 12 साल से इस तरह के समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली है? गांव देहात की महिलाएं आजकल जो कि इतना खुद से सिलाई सेंटर चलाना, खुद से आत्मनिर्भर होना और अन्य महिलाओं को प्रेरित करना, तो आपने कहाँ से प्रेरणा मिली? मुझे यही प्रेरणा मेरी माँ से मिली है और ये लगभग बहुत साल पुरानी 25 साल लगभग हो गए तो मुझे वहाँ से ये प्रेरणा मिली थी, उन्होंने कहा बेटा जितना हो सकता है उतना लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना, किसी के रोज़गार को बंद ना करके उनका रोज़गार जितना हो सके उतना उनको स्वरोज़गार बनाना है। तो जैसा कि आपने आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आजकल की महिलाएँ हैं? महिलाओं को तो मैं यही संदेश दूंगी कि जितनी भी लड़कियां या महिलाएं जो स्टडी कर रही हैं उनके साथ साथ उनको हाथ का हुनर और जैसे हमारे रक्तदान शिविर या कुछ भी हमारे ऐसे सेमिनार होते हैं उनमें ज़रूर बढ़ चढ़ कर भाग ले, यही मेरा संदेश रहेगा, उन्हीं से वो बहुत कुछ सीख सकती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, तरुड़ खुर्द की जो महिला है सुदेश शर्मा जी, ये महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, इन्हें बहुत सारे महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम कर रही हैं जिनसे महिलाओं को प्रेरणा ले सकती हैं महिलाएं और बढ़ चढ़कर समाज में बदलाव ला सकती हैं। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज एंड आर्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।